तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाभगवन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीसर्वगदन्तो श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्तत कृष्णभक्ति प्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवदादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा अनंत असीम जिसका बाहर भी नहीं जिसका भीतर भी नहीं, लेकिन ऐसे होते हुए भी कृष्णा मैया जसोदा की प्रेम रूपी रज्जु में कृष्णा बंध गए। जब कृष्णा बंध गए इतने में मैया जसोदा बोली, तेरे पीछे सवेरे से लेकर के शाम तक मेरा सारे समय नष्ट हो गया। सारे घर का काम काज देखो कैसे पड़ा हुआ है, अभी तो बंधा पड़ा रहा, अभी घर का काम काज जो मैं खत्म करते हैं। जब मैया जसोदा गई इतने में कृष्ण का जितने सखा लोग थे ना सबके सब सखा लोग आ गए। आकर बोले कन्हैया आज तू भी मैया की चक्कर में आ गया, तुम भी मैया तुमको बांध दिया। बोले हाँ। कृष्णा ने कहा एक काम करो ये रस्सी को खोल दो फिर हम सखा तुम्हारे साथ में खेला करेंगे। अभी सखाओं ने जो गांठ बंधी हुई थी अभी उसको खोलने के लिए कृष्णा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो गांठ है किसकी गांठ है? वो साधारण गांठ नहीं, वो भक्ति की गांठ प्रेम की गांठ है, हैं? मैया ने अपना प्रेम रूपी रज्जु से उसको बांधा, वो गांठ कोई साधारण नहीं, लेकिन अभी खोलना कौन चाह रहे हैं? बोले सखा सख्य रस उसको खोलना चाहते हैं, लेकिन सख्य रस से श्रेष्ठ रस कौन सा है? गत बात्सल रस उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सख्य रस में है जो सख्य रस में बराबर भावना है, इसलिए दास्य रस में सेवा की भावना है और उससे श्रेष्ठ रस है बात्सल रस है जहाँ पर भक्त हो जाता है छोटा और भगवान हो जाते हैं, नहीं भक्त हो जाता है बड़ा और भगवान हो जाते हैं छोटे। अभी मैया जसोदा क्या सोच रही हैं? जो विश्व ब्रह्मांड को पालने वाली हैं, विश्व ब्रह्मांड को पालन पोषण करने वाले, लेकिन उसको मैया सोचती है ये तो मेरे लाला है, ये मेरे लाला हैं, इसको मैं बांध करके रहूँगी है बांध करके रहूँगी। जब तक मैं नहीं खिलाऊंगी मेरे को लाला खाया कैसे? जब तक मैं स्नान नहीं कराऊंगा कृष्ण स्नान कैसे करेगा? जब तक मैं कृष्ण को हाँ उनको कपड़ा नहीं पहना कृष्ण कैसे कपड़ा पहनेगा? क्यों? जैसे माँ सोचती है ना, देखना बेटा जितना बड़ा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन माँ हर समय क्या सोचती है? अभी तो मेरे लाला लाला ही है, अभी भी भले बेटा डॉक्टर हो गया है, भले ही बेटा डॉक्टर हो गया है, अगर बेटा बाहर जाए ना मैया क्या लाला
ठंडो पड़ रहे हैं, अपना साथ में साल लेकर भी जाना और खाना पीना पीछे लेकर भी जाओ। लेकिन डॉक्टर हो गया, सारा दुनिया को देखता है लेकिन उसको कौन देखता है? तो उसको माँ देखती है। इसलिए जो माँ की जो भावना सत्य रस से श्रेष्ठ है, इसलिए वो जो बंधन में बंधे हैं वो बात्सल रस की बंधन में बंधे हैं। सखा लोग, एक सखा कोशिश कर रहा वो खोल नहीं पाया, दूसरा सखा आकर के उसको धक्का दे, तेरे को खोलना नहीं आता, मैं खोलता हूँ, फिर वो खोलने लग जाता है, फिर तीसरा सखा आकर तेरे को भी खोलना नहीं आता, तू आग इसलिए मैं खोल देता हूँ, ऐसे उनको होड़ लग गई। तो इतने में जब किसी तरह से खोल नहीं पाए, कृष्ण सामने देखा तो अर्जुन वृक्ष देखा, जमला अर्जुन वृक्ष देखा। यदि जमला अर्जुन कौन थे बोलिए, पूर्व जन्म में कुबेर का ये दो संतान है, नल कुबेर और ये मनु। यदि एक समय शंकर जी का एक बगीचा था, जिस बगीचा को ये देखभाल करते थे, और एक दिन स्वर्ग के अवसरियों को लेकर के शराब पी करके विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे थे। जल विहार करते समय इतने में नारद जी किसी कारण से उधर से होते हुए जा रहे थे, और जाते समय वो तो विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे थे। अभी उनको देख करके नारद जी को हैं, भले बाबा का कोई बुद्धि नहीं है और कोई रास्ता तेरे को मिला ही नहीं, हमारे रंग में तुमने भंग करने के लिए आ गया, रंग में भंग करने के लिए आ गया। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो जो चार चीज है ना, जीव को भजन पथ में चलने नहीं देता है। बोले चार चीज क्या है? बोले पहला नंबर है जन्म। अगर कोई श्रेष्ठ कुल में जन्म हो जाए ना, बड़ा अहंकार आ जाता है, हैं? अरे हम त्रिवेदी चतुर्वेदी, हम इतने बड़े वंश में जन्म हुए, उसको नीचे होने नहीं देता। ऐश्वर्य, जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए, पास हो गया है, ज्यादा पैसा वालों को भक्ति करते हुए ज्यादा नहीं देखने को आप मिलेगा। देखो कि किसी नाइट क्लब में जाएंगे, नहीं तो किसी हैं उल्टा पुल्टा स्थान में जाएंगे, गद्दी जगह पे रोज क्लब में जाएंगे लेकिन कथा में नहीं बैठेंगे, कथा में वो नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादा पैसा है ना। बोले मेरे पास में किस चीज की कमी, हम भजन करेंगे? हैं, हमारे पास रुपया पैसा नौकर चाकर दुकान मकान हमारे पास में सब कुछ है, भजन भजन करने का हमारे कोई जरूरत नहीं, वो भजन नहीं करते। जन्म ऐश्वर्य, विशेष करके जिसको पास में ज्यादा ऐश्वर्य होता है वहां पर क्या काम क्या चलता है? जुआ शराब मांस मदिरा, देखना दिन भर वहां चलता है, दिन भर चलता हुआ होगा। इसलिए तो जन्म ऐश्वर्य, और जो पैसा है ना, पैसा तो पकेट में रहेगा लेकिन गर्म कहाँ पर दिमाग, उसका घर में रहेगा दिमाग में, तो मेरे को क्या समझ रखे हो, तेरे को दिखा दूंगा, तेरे को कोर्ट कचहरी ले जाऊंगा, तेरे को हम दिखा देंगे। इसलिए ऐश्वर्य कहते ये कहाँ के स्वर्ग में रहने वाले, किसके? बोले कुबेर, धन कुबेर, सारे ट्रेजर का धन, तो जिसका जो मालिक उसका दो बेटे, इसलिए पैसा है ना, इसलिए क्या कर रहे हैं पैसा के लिए, शराब और लड़कियों को लेकर नंगे होकर के जल विहार कर रहे हैं। जब नारद जी उधर से आए, अभी नारद जी को देख करके भैया संत आए, बड़े भाग्य से संतों दर्शन मिलता है, कहाँ संतों को प्रणाम करनी चाहिए, प्रणाम क्या करेगा, उनको आपको फाड़ फाड़ करके देख रहे थे। बोले बाबा तुम्हारे कोई ज्ञान ही नहीं है, तेरे को भी रास्ता ही नहीं मिला, यही रास्ता ही मिल गया तेरे को, इधर से रास्ता मिल गया तेरे को, उनको आग फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। हैं, इतने में उनकी जो स्त्रियां जो थी ना, उन्होंने शर्मिंदा हो गई, पानी से उठे, अपना शरीर में कपड़े से अपना शरीर को ढक लिए और पेड़ की आड़ में वो छुप गई, पेड़ की आड़ में वो छुप गई। लेकिन ये जो दोनों थे हैं, बड़ा अहंकार से देख रहे थे। इतने में नारद जी ने सोचा ये कहाँ स्वर्ग के देवता हैं, स्वर्ग के देवता श्री कुबेर का संतान देखो कर रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं, हैं? और कोई साधु आ गया तो प्रणाम करने का तो दूर की बात है,
और मेरे को क्रोध से आप फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। इतने में श्री नारद जी उसको अभिशाप दे दिया, बोले जाओ, जैसे वृक्ष नंगे रहता है ना, तुम भी ऐसे नंगे हो जाओ, तुम दोनों वृक्ष जन्म को प्राप्त करो। उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया। हाँ, यहाँ पर प्रश्न होता है, बोले भैया उनको अभिशाप देने का क्या जरूरत था? तुम अपना रास्ता में, नारद तो संत है, बोले तुम अपना रास्ता में जा रहे हो, अपना रास्ता में जाओ ना, कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे तुमको देखने का क्या जरूरत है? तेरे को तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तुम तो अपना रास्ता में तुम चलो, तेरे क्या जरूरत अभिशाप देने का क्या जरूरत है? तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एक उदाहरण दिया, जैसे कोई तिथि बढ़िया सुंदर तिथि तिवार आ गया, जिसमें माँ उसी दिन विशेष विशेष खाना बनाती है, और क्या बनता है तिथि में, क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज बनाते हो बोलो, हलवा, लड्डू, मालपुआ, पनीर, फ्रूट पी, बाबा मुंह में पानी आ जाएगा। इसलिए जैसे कोई अच्छी बढ़िया तिथि है, तिथि में जैसे माता जी बढ़िया बढ़िया चीज बनाया, लेकिन उसको जो लाला है ना उसको बड़ा पसंद है, और उसने उसका जो लाला वो सो गया, जो सो गया मैया क्या करेगी? जो कुछ बनाती किसके लिए, बच्चे के लिए तो बनाती है ना, लेकिन बेटा सो गया, फिर मैया क्या करेगी? उसको चिमटी काट काट करके हिला हिला करके उठाएगी, हैं? जब तक बच्चे को खाना नहीं खिला देती है ना, लेकिन माताएं कोई भोजन नहीं करती हैं, बच्चे को खिला करके ही माँ भोजन करती हैं। बच्चा सोया हुआ खाया नहीं, बच्चा सोया हुआ माँ कभी खा सकती है? बता माँ कभी भोजन कर सकती है? बता कभी भोजन करेगी माँ? भोजन नहीं कर सकती जब तक बच्चे को नहीं खिला दे। उसी तरह अभी नारद जी अभी सोच रहे हैं, बोले भैया ये कौन है? बोले ये जो ये है नल कुबेर और मुनिगिरी, कहते ये स्वर्ग के ये दो देवता है। बोले कहाँ इनको प्रभु की प्रेम रस को पान करनी चाहिए, भक्ति रस पान करनी चाहिए, लेकिन देखो देखो तो सही, जैसे कीचड़ में शराब पी करके जैसे नंगे होकर के जल विहार कर रहे हैं। अभी नारद जी की इच्छा है इनको कृष्ण भक्ति रस को पान कराएंगे, लेकिन वो सो रहे हैं, कैसे नशा में सो रहे हैं। इसलिए नारद जी ने देखा इनको नशा से उठाना पड़ेगा, इसलिए नारद जी ने क्या किया उठाने के लिए, बोले जाओ तुम दोनों वृक्ष जन्म को प्राप्त करो। उसको ऊपर में कहते अभिशाप नहीं, ऊपर कृपा की, उनको ऊपर में कृपा की। जब बोले वृक्ष जन्म को प्राप्त करो बोल के ही किया हुआ, धीरे 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 उनको प्यार से ना पेड़ बनना शुरू हो गई, वो पेड़ बनना शुरू हो गई, और जितने नशा था सारे नशा उतर गया, क्यों? जो वृक्ष जन्म बड़ा कठोर जन्म है, गर्मी में खड़े रहेंगे पानी नहीं मांग सकते हैं, बारिश हो रही है खड़े रहो, है ठंडी हो रही है कपड़ा ओढ़ नहीं सकते हो, है इसलिए ठंडी गर्मी सर्दी उनको सब कुछ, फिर जिंदा जिंदा क्या करते पेड़ को कोई काट लेते हैं, कोई टहनिया काट देगा, कोई अगर तुम्हारे हाथ को काट दे कैसे लगेगा, उनको टहनिया को कोई काट देते हैं, बड़ा कठिन जीवन ये वृक्ष जीवन है। जब देखा ये वृक्ष होना शुरू हो गया सारे नशा इसके ऊपर आए, उतर करके ये दोनों पानी के ऊपर आ गए, आ करके नारद जी के चरण में गिर पड़े, बोले बाबा आपके चरण में हमारी अपराध हो गया, हमारे अपराध से हम मुक्त कर दो। जब उन्होंने प्रार्थना किए, अभी संत बड़े दयाल, इनकी इच्छा इनको भक्ति रस पान कराए, सो रहे हैं मोह माया निद्रा में सो रहे हैं, इनको जगाने के लिए मैंने अभिशाप दिया, बोले जाओ ठीक है वृक्ष तब बनोगे, लेकिन ये कहाँ पर बनोगे? बोले गोकुल, गोकुल में वृक्ष जन्म प्राप्त करोगे, और वहीं पर कृष्ण जन्म ग्रहण करने पर कृष्ण के जितने बाल्य लीला तुम दर्शन पाओगे। अभी उन्होंने वृक्ष जन्म की प्राप्त करते हुए उन्होंने गोकुल में वृक्ष जन्म प्राप्त किया, और इंतजार कर रहे हैं कृष्ण कब आएंगे और मेरे ऊपर में कृष्ण की कब कृपा होगी। इतने में चूंकि नारद जी ने बताया कृष्ण का चरण स्पर्श से तुम्हें उधार होगा, अभी नारद जी के वाक्यों को रक्षा करने के लिए कृष्ण जब उन्होंने दो वृक्षों को दूर से देखा, देख करके सखाओं को बोले एक काम करो, ये जो उखल को पीछे से धक्का मारो, और सखा लोग धक्का मारे
कृष्ण गुठन पर चलते 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 दोनों वृक्षों का बीच में होते हुए जब कृष्ण निकले और जो उखल था वो दोनों पेड़ में अटक गया। अटक गया तो कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाई, ताकत लगाते ही दोनों वृक्ष धराम करके बड़े जोर जोर से गिरे। ऐसे लगा जैसे ब्रज में कहीं वज्रपात हुई है, कहीं वज्र गिरा है। वज्र कहते ना, जैसे कहीं वज्र कहीं गिरा है। इतने में दोनों वृक्ष से जो नाल कुबेर और जो मणिगिरी दोनों थे, दोनों वृक्ष से दोनों देवता निकले। देवता निकल करके कृष्ण को प्रणाम किया। तीन बार उन्होंने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाते हुए ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए बोले प्रभु, बोले बाणी कुनान कथनी, बोले प्रभु आप इतना कृपा करो, हमारा जो बाणी है ना तुम्हारी गुणों कीर्तन में, जैसे तुम्हारी बाणी गुणों कीर्तन में बाणी जैसे लगे। बोले करो, दोनों हाथ कहाँ पर लगे? बोले दोनों हाथ आपकी भक्तों की, आपकी चरण की सेवा में, बोले आंखों से जैसे आपके भक्तों और आपको दर्शन करे, बोले प्यार से बोले धाम परिक्रमा तुलसी परिक्रमा जैसे आपकी मंदिर परिक्रमा में लगे। बोले सर, बोले सर अगर तुम्हारी भक्तों को देखे ना जैसे अपने आप ये सर मिल जाए, यदि हमको ये वृक्ष जन्म क्यों लेना पड़ा? इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आपका भक्तों को तो हमने दर्शन की, लेकिन दर्शन करते हुए उनको प्रणाम हमने नहीं और इसलिए हमें अभिशाप मिला। इसलिए आप इतना करो, आपका भक्तों को दर्शन करते ही ना जैसे ये सर अपने आप भक्तों का चरण। इसलिए शास्त्र ने बताया सन्यासी देखिया जेवा नाम नुआए मुंड तार मुंड पड़े दिया नर के कुंड। मतलब है अगर किसी सन्यासियों को देख करके हम सर नीचा नहीं करते हैं पर इसका फल किया है तार मुंड पड़े दिया नर के कुंड। उसका जो मुंड मतलब सर, फिर इसको कहाँ जाना पड़ता है? नरक जाना पड़ता है। इसलिए नियम है साधु गुरु वैष्णव को दर्शन करते प्रणाम करनी चाहिए। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा पुलिस अफिसर है, अब पुलिस अफिसर आया, उसका जो कोई नीचा जो पुलिस होगा वो क्या करे? उसको सैल्यूट देगा। अगर सैल्यूट नहीं देगा ना उसका नौकरी चली जाएगी। कहते हैं अगर किसी वैष्णव को दर्शन किया, अगर आपने प्रणाम नहीं किया ना, शास्त्र ने बताया तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोले तीन दिन तक बिना खाए, तीन दिन तक बिना खाए भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, हाँ प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहे हैं बोले प्रभु आपके भक्तों को दर्शन मात्र से ही ये सर जैसे आपका भक्ति के चरण में झोंक जाए, हमको ये आशीर्वाद दो। देख करके उन्होंने किया हुआ, मैं तो उन्होंने एक साथ में दो स्वरूप को धारण किया। एक स्वरूप में तो स्वर्ग में ये नाल कुबेर और मुनिग्रीव रूप में स्वर्ग में गए और दूसरे स्वरूप में मधुकंठ और सिद्ध कथन बन करके ये दोनों गोलोक वृंदावन में गए। हैं कहते सवेरे और शाम को, सवेरे कृष्ण की बाल्य लीला हमको वर्णना करते हैं और शाम को हाँ वहाँ पर जब सभा बैठती है कृष्ण की मधुर लीलाओं को वर्णना करते हैं। कहाँ पर? गोलोक वृंदावन। देखो अगर कोई साधु अगर हमें अभिशाप दे देता है, अभिशाप का फल नरक होता है, लेकिन संत अगर कोई अभिशाप दे ना, बड़े बड़े साधनों के द्वारा जो वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो वस्तु साधु के अभिशाप से मिल जाए, अभिशाप से मिल जाए। इसलिए उनको कहा गोलोक वृंदावन में कृष्ण का परिकर बन करके उनकी सेवा में उनकी प्रवेश हुई है। जब चले गए इतने में जो पेड़ गिर की ना बड़ी जोर से आवाज हुई थी, पूरा ब्रज में टहलका मच गया और जितने सारे ब्रजवासी सब के सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए इतने में नंद बाबा भागते भागते आए और देखा कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में फंसे पड़े हुए। अगर थोड़ी सी इधर उधर होता है ना बस कृष्ण राम नाम सत्य हो जाता, कृष्ण ऊपर में गिर जाता। और नंद बाबा जल्दी जल्दी आकर के उन्होंने क्या किया, जो कृष्ण बंधे पड़े हुए थे ना जल्दी जल्दी गांठ को खोल दिया, खोट खोल करके और अपना पकड़ से एक लड्डू निकाल करके कृष्ण को दे दिया।
जब दे दिया, देखो बच्चा का स्वभाव देखना, जैसे मैया ने खूब डांट लगा, मैया खूब बच्चे को डांट लगा, लेकिन अगर पिताजी आकर के थोड़ी सी प्यार करने लग जाए ना, बच्चा रोना शुरू कर देता है। बच्चा फिर बच्चों का स्वभाव है। इतने में कृष्ण जब नंद बाबा आकर खोल दिए, कृष्ण तो खूब खूब कर कर रोने लग गए। इतने में नंद बाबा बोले, लाला तेरे को बांधा किसने? बोले मैया। बोले खोला किसने? बोले पिताजी। बोले खो मैया 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 करते रहते हो, अभी बताओ किसको पास में रहोगे? बोले और मैया को पास में नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो बाबा के पास में। भाई मैं बाबा के पास में रहा करूंगा और मैया के पास में नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारती रहती है। इतने में नंद बाबा ने, इतने में मैया जसोदा आ गई, और मैया जसोदा देख करके ना उसका तो एकदम जैसे लकड़ी लकड़ी हो जाती है ना, सूखी लकड़ी जैसी बन गई। क्यों? दोनों विशाल वृक्ष दोनों तरफ में टूटे पड़े हुए, अगर थोड़ी सी इधर उधर होता तो कृष्ण उसमें दबी जाते, कृष्ण उसमें दबी जाते। इतने में नंद बाबा ने मैया जसोदा को साफ कर देखी, अरे एक दो मटकी तो बड़ा होगा और तो कोई नहीं, और इतना बड़ा देते नारायण की कृपा से किसी तरह लाला बची गया। थोड़ी सी इधर उधर होता तो लाला तो खत्म ही हो जाता। लगता है तेरे को ये मटकियों में और दूध दही में ज्यादा आ सकती है, तो ये मटकी और दूध दही लेकर आता है। मैं ये दोनों लाला को लेकर तीर्थ जा रहा हूँ। मैया को बड़ी जोर से डांट लगा, जो डांट लगाई ना इतने में मैया तो दुखी दुखी हो गई। मैया अपने आप गाली देने लग गई है, बोले मैंने मेरे हाथों में ये कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया, मैंने आज लाला को बांधा तो बांधा कैसे। मैया तो बड़ी दुखी हो गई। माँ नंद बाबा तो बड़ी जोर से उनको सांस लेने की, जब सांस लेने की इसने में नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के ब्रह्मा के घाट में गए। और जो धारस मधु क्या तो जैसे गैया को दूध दोहन करना, वो दूध गर्म गर्म रहता है, वो धारस में दूध में मिश्री मिला करके उन्होंने कृष्ण बलराम दोनों को पिला दिए। पिला करके फिर शाम को अपना घर में आए। जब घर में आए अंत मैया इतने दुखी हो गई, घर एक कोने पर बैठ बैठ कर रो रही है, आज मैंने लाला को क्यों बांध दिया, किस लिए बांध दिया, बड़ी दुखी होकर बैठी हुई। और एक कोने में नंद बाबा शाम को आए और कृष्ण बलराम को लेकर दोनों गोद में बैठे। मानो अभी पति पत्नी में लड़ाई हो, दोनों में लड़ाई होगी। अगर लड़ाई हो जाएगा तो फिर उनको समाधान कौन करेगा? तीसरा व्यक्ति। बोले यहाँ भी यहाँ तीसरे कौन है? बोले श्री रोहिणी है, माता रोहिणी बलदेव प्रभु का माँ। अभी ये सोच रही है किसी तरह से कृष्ण जो बाबा की गोद में और उनको गोद से ला करके अगर माँ की गोद में छोड़ देना, बात सारा झगड़ा शांत हो जाएगा। इतने में दाऊद भैया को बोले, दाऊद एक काम करो। बोले क्या? ले जा कन्हैया को पकड़ कर ले आ और उनको मैया की गोद में छोड़ दे, फिर लड़ाई शांत हो जाएगी। इतने में बलदेव प्रभु गए, कन्हैया कन्हैया चल माँ को पास में चल। इतने में जब कृष्ण का हाथ को पकड़े ना, कृष्ण तो बड़े क्रोध में थे, उन्होंने हाथ में से झटका मारे और दाऊ भैया को वहीं पर लुढ़क पड़े, वहीं पर लुढ़क पड़े। इतने में मैया रोहिणी कहती है, बोले कन्हैया मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती रहती है। हाँ? बोले रहोगे किसको पास? बोले बाबा के पास में रहा करो। बोले देखो तो दूध दूध कहाँ से पियोगे? दूध तो बाबा के पास में नहीं मिलेगा ना, दूध तो माँ के पास में मिलेगा, दूध कहाँ से पियोगे? बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले सोए सोगे किसकी गोद में? देखना बच्चों का स्वभाव होता है, जब तक माँ की गोद में नहीं सोए ना उसको नींद नहीं आता है। ये बच्चों किसी बच्चों का आदत रहता है। बोले किसकी गोद में सोओगे? बोले बाबा की गोद में सो जाओ। बोले खेलोगे किसको साथ में? बोले दाऊ भैया है, श्रीदा मधुमंगल लबक स्तोत्र कृष्ण इनको साथ में खेलूंगा। बोले फिर मैया के पास में नहीं जाऊंगा? बोले नहीं, मैया के पास में नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारती है। बोले अगर मैया के पास में नहीं जाओगे, मैया अगर ऐसे हो गई तो मतलब अगर मैया मर गई फिर क्या होगी? बात इतना बोलना था कृष्ण, जब सुना अगर मैया की गोद में नहीं जाऊंगा मैया मर ही जाएगी, फिर तो कृष्ण को रहा नहीं गया।
फिर तो पिताजी गोद से खड़े हो गए, फिर मैया 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 करते करते सीता माँ की गोद में लेट गई। जब गोद में लेट गई फिर मैया कृष्ण को अपना गोद में पा करके फिर तो फूट फूट करके मैया जसोदा रोने लगी। जो रोने लग गई कभी ये लीलाओं को देख करके ना, जितने ब्रजवासी थे सबके सब ये लीला दर्शन करके जितने थे सबके सब रोना शुरू कर दिया, सबके सब रोना शुरू कर दिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इति दृति स लीला भे रानंद को ने ओहो सभी भजंत
पहन करके जो बाहर निकलते अद्भुत इनकी रूप है, अद्भुत रूप है। कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं, कभी कभी कृष्ण अगर जैसे देखना जैसे बाढ़ होता है ना, है जैसे खेती में एक समय उन्होंने देखा बड़ा सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ अंदर में, है उसमें सुंदर सुंदर फूल। अभी ये दोनों भाई वो फूल को तोड़ने का लोभ से जो कांटा की बाढ़ था, दोनों भैया अंदर चले गए और अंदर में तो बड़े कष्ट से गए। अभी फूल भी तोड़ लिया लेकिन जब वापस आना चाहते हैं ना, ऐसे कांटा 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 का दोनों वापस नहीं आ पा रहे। फूल का लोभ से तो चले गए लेकिन निकल नहीं पा रहे। इतने में दोनों बच्चे रोने लग गए, बोले मैया मैया मैया। भैया ने देखा रोने की आवाज कहाँ रहा है, देखा दोनों बच्चे कांटा को अंदर में फंसे हुए। अरे मैया जाकर उनको दोनों बालों को वहां से वापस लाते। कभी कभी दोनों बालक आप लोग गांव में देखना, अभी भी जैसे पानी जैसे निकालते ना, जैसे कुआं होता है दोनों तरफ में दोनों जैसे डंडे, उसको बीच में एक लोहे का रड होता है, उसमें एक चक्र रहता है और जो रस्सी उसमें रस्सी लगा हुआ रहता है, और बाल्टी हो कोई पात्र हो क्या करते हैं उसको नीचे डालते हैं, फिर पानी हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे वो पानी को फिर निकालते हैं। अभी कृष्ण बलराम दोनों भैया अभी छोटे बच्चे हैं, अभी गए और वो रस्सी को दोनों भैया खोले, खोल करके धीरे 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 जो बाल्टी था उसको धीरे 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 नीचे छोड़े, नहीं तो छोड़ दिया हल्का था, लेकिन जो उसमें पानी भर गया ना, अभी दोनों भैया उसको दोनों पकड़ के रखे, वो निकाल नहीं पा रहे, पानी भर गया ना, दोनों छोटे बच्चे हैं। देखो विश्व ब्रह्मांड को जो पालन करने वाले अभी एक बाल्टी पानी को भी निकाल नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि यही उनकी मधुर लीला है, यही इनकी मधुर लीला है। फिर दोनों भैया ने ऐसे दोनों रस्सी को पकड़ कर रखे, नीचे नहीं गिर जाए, फिर रोने लग गए। फिर मैया सुन करके आती है, फिर पानी को फिर निकालती है, हैं? कभी तलवार पकड़े, कभी आग देख कर दोनों भाई पकड़ने के लिए जाए, मैया वहां से कभी वहां से बचाए। पहले एक दिन श्री नंद बाबा भोजन कर रहे थे, क्या भोजन कर रहे थे, कढ़ी चावल खा रहे थे, कढ़ी चावल खा रहे थे। खाते खाते एक हरी मिर्च को, हैं? हरी मिर्च जो चावल है ना उसको अंदर छुपा कर रखे थे, जैसे कड़ी चावल एक और कन्हा को, एक और कोर दाव भैया को और एक और खुद खाते थे, जैसे पिता माता बच्चों को खिलाते ना, ऐसे ही दोनों बालों को खिला कर खुद खा रहे थे। जो एक हरी मिर्च थी उसको चावलों के अंदर में छुपा करके रखे थे, चावल का छुपा करके रखे थे, और ये दोनों बालकों की नजर बचाते हुए निकालते थे, थोड़ा दांत को नीचे काट देते थे, फिर चावलों के अंदर में छुपा देते थे। इतने में कृष्ण ने मार्ग किया, बोले पिताजी क्या ये बीच बीच में छुपा छुपा कर निकाल कर खून खाते हैं और हम दोनों को खिलाते हैं, लगता है कोई बढ़िया चीज होगा। इतने में कृष्ण नंदव कृष्ण ने बलदेव प्रभु को इशारा किया, बोले दाऊ देख पिताजी कोई बढ़िया चीज खा करके हमें नहीं दे रहे हैं, अकेले अकेले खा रहे हैं, उसको एक बार निकाल कर खाओ। तो दाव भैया बोले देखो कन्हैया ये नटखट काम मेरा नहीं, ये नटखट काम तेरा है, ये तू कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। इतने में कृष्ण भी पिताजी की नजर बचाते हुए उन्होंने किया, सोचा कोई बढ़िया चीज होगा, पिताजी छुपा छुपा कर खा रहे, और उन्होंने निकाला और पूरा का पूरा मिर्च को मुंह में डाल दिया। जब उसको चिबा है ना तो मिर्च था इतने तेज था, फिर कृष्ण तो नाचना शुरू हुआ, कृष्ण नाचना शुरू कर दिया। कहते इसको देख करके श्री नंद बाबा ने सोचा भैया आज से और मैं कभी मिर्च नहीं खाया, मिर्च और कभी खाऊंगा नहीं। इसलिए आप देखना जितना पुराना पुराना मंदिर में जाओगे ना कहीं देखोगे ये मिर्च नहीं। अब जगन्नाथपुरी में जाओ मिर्च नहीं मिलेगा, बद्री का आश्रम में जाओ ठाकुर को मिर्च नहीं लगाते हैं। इसलिए आप जाओ आप बद्रीनाथ जाओ मिर्च नहीं, आप किसी लक्ष्मी नारायण के बड़ा मंदिर में कहीं जाओ ना आप देखोगे कहीं भी ठाकुर जी को मिर्च भोग नहीं लगाते हैं। कहते भगवान का मुंह तो अत्यंत तो कोमल है, भगवान मक्खन खाते हैं, पर ये मुंह में ठाकुर जी मिर्च कैसे खाएंगे, इसलिए रसिया के लोग भी मिर्च नहीं खाते। इसलिए कृष्ण बचपन में बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते थे। एक दिन क्या हुआ, कृष्ण फल बिखरियानी के ऊपर में ठाकुर जी कृपा किए,
हैं वो फल बिक्रियानी कृष्ण दर्शन के लोभ से उन्हें ब्रज में केले से चीकू अंगूर लेकर के आए। आकर के उन्होंने ब्रज गोपियां जब जाती थी मथुरा में कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनाती थी। अभी उसको सुन सुन करके उनके मन में लोभ हो, बोले मैं भी जाकर के कभी कृष्ण दर्शन करूं। बोले दर्शन करूं कैसे? बोले उनको कृष्ण अभी बालक है, बच्चों को मीठा मीठा फल बहुत अच्छा लगता है। वो बड़े सुंदर सुंदर फल को लेकर के आई और नंद भवन के बाहर खड़ी होकर के फल लेगा कौन फल, केला लेगा कौन केला, चीकू लेगा कौन चीकू। लेकिन उसका भावना क्या है, कहते कृष्ण की कान में आवाज बढ़े और कृष्ण आए और कृष्ण का दर्शन हो जाए। लेकिन दिन भर उसकी बीत गई, कृष्ण के सखा लोग तो आए, श्रीदाम वसुदाम मधुमंगल सखा लोग तो आए, लेकिन वो मक्खन चोरी नहीं। बेचारी बड़ी दुखी होकर के शाम को वापस आ गई। फिर दूसरे दिन सुंदर सुंदर फल लेकर गई, दूसरे दिन भी ऐसे जोर जोर से उसने आवाज लगाई, लेकिन दूसरे दिन भी कोई लेने के लिए नहीं, कृष्ण आए नहीं, सखा लोग तो खा कर गए। तीसरे दिन जब आती है ना, वो संकल्प लेकर के आती है, आज अगर कृष्ण दर्शन मिलेगा नहीं तो आज मैं ब्रज से वापस नहीं आऊंगी। और वो इतने तन्मयता को प्राप्त की, इतने उसमें आविष्ट हो गई। अभी कहती है कन्या लेगा कौन कन्या, गोपाल लेगा कौन गोपाल, गिरधारी लेगा कौन गिरधारी, एकदम बाबरी जैसे बन गई। अब कृष्ण तो घटघट वासी हो सब जानते हैं। अभी कृष्ण दर्शन देने का लोग कृष्ण है, इसलिए नंदोबा की आंगन थी जिसमें धान व गेहूं सूख रहा था, कृष्ण उसके ऊपर खेल रहे थे। लेकिन आज उसने जब दीवानी बन गई, कृष्ण प्रेम में बाबरी बन गई, कृष्ण तो घटघट वासी सब जानते हैं, कौन कहां किस रूप में मेरे को पुकार रहा है कृष्ण सब जानते हैं। अभी कृष्ण दर्शन देने के लिए, बोले आज मेरे प्रेम में वो बावरी बन गई। कृष्ण सिखा देते हैं, देखो जब तक कोई पागल नहीं बनेगा ना, तब तक कृष्ण दर्शन नहीं देने वाले, इसलिए उनके लिए पागल बनना पड़ेगा। एक भजन है ना, मेरा आधा क्यों पागल बनाया, क्या पूरा पागल क्यों, क्या भजन है, भजन क्या है किसको याद है। इसलिए करें प्रभु कृष्ण तुम अगर पागल बनाए, पूरा पागल बनाओ ना, आधा पागल तुमने क्यों बनाया है। इसलिए आप लोग देखो तो पागल ही होते हो ना, घर छोड़ करके कोई पति को छोड़ कर कोई बच्चे को छोड़ करके कोई झूठ मूठ इधर करके सब कहते वृंदावन में आ गए है। और तब इसने झगड़ा करके इसने कभी झगड़ा करके आए, घर में झगड़ा भी हो गया है, मतलब जब बोलते तब वृंदावन चलो, वृंदावन चलो कोई काम धाम नहीं है, वृंदावन चलो। इसलिए कहते कहते कृष्ण भक्ति करने के लिए पागल बनना पड़ेगा, जब तक पागल नहीं बनोगे ना तब तक काम बनने वाले नहीं। और कृष्ण सिखा देते हैं, देखो अगर मेरे को खिलाने से पहले पहले मेरे भक्तों को खिला, भक्त का जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। इसलिए पहले उन्होंने भक्तों की सेवा की, फिर तो कृष्ण दर्शन देने के लिए जब आए, पहले तो पैसा था नहीं, पहले विनिमय प्रथा था, कोई चीज दो उसका विनिमय में फिर लो। इतने में कृष्ण फल खाने का लोभ से उन्होंने गेहूं उठाया। जब गेहूं उठाए, अभी कृष्ण का उम्र कितना था, 3 साल की होगी, बच्चों का हाथ ऐसे नहीं होता है। जो उन्हें गेहूं उठाया, उनकी जो अंगुली की जो कोने से बस गेहूं गिरते 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 जा रहा था। बोले गेहूं कहाँ गिर रहा था, बोले कृष्ण के चरण के ऊपर है। बोले क्यों, बोले ये गेहूं कौन है, बोले लक्ष्मी, लक्ष्मी गेहूं लक्ष्मी है, माने लक्ष्मी कृष्ण के चरणों को पकड़ते हुए कह रही। बोले प्रभु मैं तो आपके घर की एक कोने में पड़ी हुई हूँ, मैं तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं रही हूँ, मेरे को लेकर किसी बाहर व्यक्ति को क्यों देने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं आपका चरण पकड़ रही हूँ, मेरे को बाहर मत निकाला करो। इतने में जब कृष्ण चलना शुरू की, मैया कृष्ण के पैर में नुपुर बांध कर रखी थी। अब ये नुपुर का छम 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 आवाज हो रही थी। बोले क्यों, ये नुपुर ये बता रहा था बात मतलब, इसलिए नुपुर ये बता रहा था अगर तुम बाहर जाओगे ना फिर मैं मैया को बोल दूंगी। क्यों, कुछ दिन पहले जमलार्जुन भजन हो पेट टूट गया, नंद बाबा ने बड़ा कठोर आदेश दिया
जैसे लाला बाहर नहीं निकल पाए, पहले पुतना आ गई, सकड़ा सुर आ गया, तिना बरता आ गया, फिर यहाँ की पेड़ भी अपने आप टूट कर गिरने लग गया है। इसलिए जैसे कृष्ण बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए उनको बड़ी कठोर आदेश दे दिया कृष्ण बाहर। इसलिए कृष्ण को प्यार में नुपुर बांध करके रखे, जब कृष्ण बाहर जाएगा वो छमछम छमछम आवाज होगा, इससे पता चल जाएगा कृष्ण बाहर जा रहा है। हैं इतने में नुपुर ने कहा जा रहे हो, तेरे को मैया ने मना की ना, पिताजी ने मना की ना, कहाँ जा रहे हो, अगर जाओगे ना मैं फिर बता दूंगी, फिर शब्द हो रहा है बता दूंगा। कृष्ण ने देखा ये दारी के तो जाने ही नहीं देगा, ये तो छमछम आवाज हो ही होते ही जा रहा है। इतने में कृष्ण प्यार में जो नुपुर था उन्होंने ऊपर में ले उठा दिया, उठाते ही वो गया चुपक गया, चुपक गया तो आवाज बंद। फिर कृष्ण जब गेहूं लेकर के बाहर आए, और वो जो फल बेचने वाली वो तो बाबरी बन करके है, कन्हैया लेगा कौन कन्हैया, गिरधारी लेगा कौन गिरधारी, गोपाल लेगा कौन गोपाल, तो बाबरी बन करके हम बोलते जा रहे हैं। इतने में जब कृष्ण बाहर आए, उसने सुन रखा था कृष्ण बड़े सुंदर है, सचमुच से जब कृष्ण बाहर आए ना, कृष्ण का रूप देख करके वो तो ठगी से ठगी रह गई। कृष्ण कितना सुंदर है, कितना सुचारु वक्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम चार्जिकांग चंदनम अभिनंदन नेत्र नेत्र पंकजम शिखर शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंदन नंदनम नासिकाग्र मौक्तिकम स्वशंत दंत पंचिकम कपालोदान्वशीकरणम नमामि नंदन सुनासिकाग्र मौक्तिकम स्वशंत दंत पंचिकम कपालोदान्वशीकरणम नमामि नंदन। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण कितने सुंदर कितने प्यारे कृष्ण हैं, अनंत कोटि मोहनम नमामि नंदनंदनम। कृष्ण इतने सुंदर है, कर्ण कामदेव भी जिनकी सुंदरता को सामने वो भी फेल हो जाएगा। इसलिए कभी कभी गोपियां ताना मारती हैं, हे नंद लाला तुझे दी हो तो लाली गला कट जाती कर। अच्छा हो गया लाली नहीं तेरे लाला भर गया, लाली होता है ना पता नहीं सारा दुनिया तेरे पीछे मर जाती है, सारा दुनिया तेरे पीछे मर जाती। इतने कृष्ण इसलिए बोले भूषणांग भूषणांग में है। हम लोग भूषण क्यों धारण करते हैं, अपना शरीर को सुंदरता के लिए, लेकिन कृष्ण क्यों धारण करते हैं, वो भूषण की सुंदरता बढ़ती है कृष्ण की सुंदरता नहीं। कृष्ण तो परम सुंदर कृष्ण है, कृष्ण के शरीर से लगने पर अलंकार की सुंदरता बढ़ती, कृष्ण की सुंदरता नहीं बढ़ती है। इसलिए अभी कृष्ण को देख करके वो ठगी सी ठगी खड़ी सी खड़ी रह गई। इतने में कृष्ण आए, उनका हाथ में दो तर जो गेहूं था ना, उनको पास पास में जो टोकरी थी, टोकरी में डाल दिया तो नीचे सारे गेहूं चला गया, एक दो गेहूं। कृष्ण बोले फल दो मेरे को फल दो, वो बोली तेरे को मैं फल दूंगा तू तो पहले मेरे कुछ दे। हाँ खाली हाथ से आए बोले फल दो मेरे को तो कुछ दे। कृष्ण ने कहा तू तो मेरे को नई बात बोल रही हो, मैं जब ब्रज गोपियों को घर घर में जाता हूँ, मेरे को सबके सब गोद में बैठा करके मक्खन मिश्री राबड़ी रसमलाई कितने बढ़िया बढ़िया चीज मेरे को प्रेम में खिलाती है, और तू तो कह रहे हो मेरे को उल्टा दे, ये तुम तो नई बात बोल रहे हो। वो कहती है देख लाला मैं भी तेरे को सारे फल तो दे दूंगी, लेकिन तू भी एक बार मेरे गोद में बैठ जा, अरे बैठ करके मेरे को एक बार माँ बोल दे, फिर तो सारे फल मैं भी दे दूंगी। कृष्ण तो बड़े चिंता में पड़ गए, क्यों ये छोटे जाति के वैसे ही गोपी मेरे को चिल्लाया करती है, अगर इसकी गोद में बैठ करके मैंने माँ बोल दिया, अगर किसी गोपी ने देख लिया फिर तो मेरे को चैन में रहने देंगे हैं। इतने में कृष्ण सोचा मेरे को तो कोई देख नहीं गए, कृष्ण इधर देखे इधर देखे इधर देखे पीछे देखे, लेकिन देखा कोई है ही नहीं यहाँ पर। बोले अरे एक बार माँ बोलने पर क्या हर जाए, इतना फल मिल जाए कोई तो है ही नहीं। बस कृष्ण तो जल्दी जल्दी इसको गोद में बैठ गए, बोले मैया मेरे को फल दे दे। बस
कृष्ण जिसकी गोद में बैठी गई, बताओ उसका दशा क्या होगी? हैं, कहते यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति नतव नखाग्रमरिचि। ब्रह्मा जी जिनकी चरण की नखी चटा को अपना ध्यान से दर्शन नहीं कर पाते, आज वो भगवान कहाँ पर बैठे हैं? जिसकी गोद में बैठे हैं ठाकुर जी। वो तो प्रेम में गदगद हो गई, उसका हृदय आंखों से प्रेम की आंसू बहने लग गई। इतने में अभी यहाँ प्रश्न होता है, फिर कृष्ण बैठे तो बैठे क्यों, इनकी गोद में क्यों बैठे? इनकी कहीं कथा आती है कि जिस समय भगवान राम लक्ष्मण और सीता दोनों वनवास में गए थे, वो निषाद राज्य में पहुंचे। जब निषाद के राज्य में पहुंचे, वहां पर निषाद के पिता माता परिवार वहां के सबके सब आए, और राम परिचय दे रहे, बोले प्रभु ये मेरी मैया है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी भैया है। अभी निषाद के साथ में प्रभु राम ने मित्रता की। अब देखना मित्र का, माँ को कभी कभी मित्र माँ बोलता है। अगर कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो ना, अब देखना जिसका फ्रेंड का माँ को भी ये माँ बोलता है। इसलिए अभी निषाद की माता ने जब राम को देखा, इतने सुंदर प्रभु, अब इसकी मन में इच्छा हुई क्या कभी ये मेरे गोद में बैठे, कभी मेरी गोद में बैठ करके मेरे को माँ बोलेंगे। भगवान को सर्वंतर जानी सब सब समस्त घटघटवासी, बोले देखो इसी अवतार में तो मैं एक कौशल्या कह के सुमित्रा के सिवाय और जिसको माँ मैं बोल नहीं सकता, कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जब मैं लीला पुरुषोत्तम रूप में आऊंगा कृष्ण रूप में, फिर तो सब सबकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। इसलिए अभी वही फल बेचने वाली, अभी निषाद की जो माता जी अभी फल बेचने वाले रूप में आई, और भगवान क्या क्या गोद में बैठे और उसको माँ बोले, और उसकी सारी इच्छा को उन्होंने पूरी कर दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सो रहे लगता है जयकार नहीं दे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अभी उसको पास में टोकरी में जितना फल था ना, उसको प्रसन्न होकर के कृष्ण को हाथ में दिया, जैसे बच्चे होते हैं ना ऐसे, जैसे गोद पेट में हाथ लगा करके। लेकिन आश्चर्य की बात, सारे फल कृष्ण के हाथ में आ गया, और कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर घर में गए। मैया ने देखा इतने सारे फल, केले चीकू अंगूर, बोले लाला इतने सारे फल कहाँ से मिलाए? बोले एक फल बेचने वाली थी। देखो कृष्ण जब उसकी गोद में बैठ करके माँ बोले ना, कृष्ण ये सोच रहे थे शायद किसी ने देखा नहीं, लेकिन गोपियों ने देख लिया था, गोपियों ने देख लिया था। क्यों? जब थोड़ी देर बाद में देखा, बोले भैया कृष्ण तो यही खेल रहा था, कृष्ण गया तो गया कहाँ? बोले गया कहाँ ये नटखट। इतने में कृष्ण जब गेहूं उठाए हाथों में, जब कृष्ण चलते चलते गए, वो हाथ का जो गेहूं गिरते 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 गया था, उसी से ही गोपियों को पता चला गया कृष्ण इधर गए। अरे गोपियां पीछे पीछे छुप छुप करके देख रहे थे, कर रहे क्या ये नटखट, कहता है क्या? उनने सब कुछ देख लिया, इसकी गोद में बैठ करके इसे माँ बोला ना, सब कुछ देख लिया। इतने में जब मैया ने बोली लाला इतने फल कहाँ से मिला, बोले फल बेचने वाले दी। इतने में गोपियों ने बोल दिया, बोले मैया फल ऐसे नहीं मिला, पता नहीं कहाँ से, जिसका जात पात कुछ है ही नहीं, वो कहाँ से आई थी और इसको गोद में तेरे लाला बैठ करके उसको माँ बोला? कृष्ण तो डर गए, बोले भगवान मैं तो सोच रहा था किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने सबने सब देख ही लिया, शायद मैया मेरे को मारे नहीं है। लेकिन मैया का नाम जसोदा, जसोदा मतलब क्या है? बोले जसम ददाती थी जसोदा, सबको जो जस देती है वो जसोदा है, हैं? वो जसोदा है। इतने में मैया बोले उसमें क्या हो गया, अगर और कोई, मैं तो अपना लाला को लाला बोलता हूँ, अगर कोई दूसरा भी मेरे लाला को लाला बोले उसमें हर जगह आ रही, ये तो अच्छी बात है, सारे माताएं मेरे बच्चे को अपना बच्चे जैसे देखे, क्यों जसोदा है ना, सब पर जस देती है। मैया तो खुश हो गई। इतने में कन्या का छाती चौड़ा हो गया, बोले लाला मैया मेरे मेरे मैया मेरे तरफ में है, इसलिए कृष्ण की छाती चौड़ा हो गई। इतने में मैया ने, कृष्ण ने जो फल लाए थे ना, मैया उसको धो करके, उसको अमणिया करके, तुलसी दल दे करके ठाकुर जी को साधक राम को भोग लगाए, और ये प्रसाद जितने सारे सखाओं को मैया लगता ने सब सखाओं के साथ में कृष्ण को उन्होंने फल खिलाए। और वो जो फल बेचने वाली थी, थोड़ी दूर गई ना,
देखा नौकरी तो बड़ा भोजन हो गया, तो भैया इतना भोजन कैसे हो गया, कुछ तो था नहीं। उसको उतार करके देखती है ना, हीरे जवाहरात उससे भरा हुआ, हीरे जवाहरात उससे भरी हुई है। इतने में वो फल बेचने वाली सोचे, बोले प्रभु मैंने आपसे ये चीज थोड़ी मांगी है, आप मेरे को क्यों ये सब चीज दे करके मेरे को आप क्यों माया में फंसा रहे हो। मेरे मन में तो यही इच्छा है दिन में एक बार आकर के केवल तुम्हारे मुख को मैं दर्शन करूं। मेरी मन में केवल इतना इच्छा और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। वो जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात ना उसको लेकर के उसने क्या की, लेकर के यमुना में डाल दिया, यमुना में जाकर के डाल दिया। उसको बाद में पता नहीं वो कहाँ चली गई, पता ही नहीं कहाँ चली गई। गुरु जी कहते हैं ठाकुर जी ने अपना चरण में उसको स्थान दे दिया। इसलिए कहते इति त्री की सलीला बिरा नंद कुंडी सो घोर सम निमजंत माखा प्रियतम। कृष्ण ऐसे ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीला करते हुए संपूर्ण ब्रजवासियों को उन्होंने प्रेम में डुबो करके रखे थे। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, श्री नंद के लाला की जय, पिताई गौर प्रेमानंद ने हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 Oh, okay.